इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सफल ना होने का एक सबसे बड़ा रीजन आपको बताया क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने अंदर झांक कर पहले नहीं देखते कि हम कितने काबिल हैं। हम दूसरों पर पॉइंट ऑफ व्यू करने लगते हैं, हम अपना आधा समय दूसरों के बारे में सोच के निकालते हैं, और वो जो सफल लोग होते हैं दोस्तों वो सिर्फ पूरा समय अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में कि वो किस तरह के अपना को इम्प्रूव कर सकें और उस पर काम करके और वो सफल हो जाते हैं। बट हम दूसरों के बारे में सोच के अपना आधा समय तो वैसे ही निकाल देते हैं। दोस्तों चलिए इस पर सुनाता हूँ मैं छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी, ये सुनिएगा जरूर, क्योंकि इससे हो सकता है कि आप सफल होने के एक कदम और आगे बढ़ जाए। दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक शादीशुदा नया जोड़ा होता है जो एक नए घर में किराए के घर में जाता है रहने के लिए। सो, उसकी जो वाइफ होती है वो हर दिन जब अपने पति को खाना परोसती है या जो भी उसके लिए काम करती है किचन में, सो दोस्तों किचन में लगी हुई एक खिड़की पर उसकी नजर जाती है जो ऊपर उसकी दीवार पर होती है, और उस खिड़की से उसको सामने वाले की बालकनी दिखाई देती है, सामने की अपने पड़ोसी के घर की बालकनी दिखाई देती है। सो, वो रोज वो उसमें देखती है कि, और अपने पति से बोलती है कि देखो सामने वाले लोग कितने गंदे तरीके से रहते हैं, उनके कपड़े देखो कि कपड़े कितने गंदे हैं, उन्होंने गंदे कपड़े ही धुलने डाल दिए, उसको अच्छे तरीके से भी नहीं धो पाए। सो वैसे ही अगले दिन भी आता है और अगले दिन भी यही बोलती है कि ये देखो आज भी लोग ने ऐसे नहीं किया, कैसे केयरलेस लोग हैं। तो ऐसा ये बहुत बार चला दोस्तों, 2-3 बार उसने कहा। जब एक बार की बात है कि उसने फिर से उसकी नज़र उस खिड़की पे गई उस औरत की काम करते वक्त, तो उसने देखा कि आज उसके कपड़े साफ दिखाई दे रहे हैं, आज पड़ोसियों के कपड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। सो वो अपने पति से बोलती है अरे वाह ये लोग तो सुधर गए, आज इन्हें तो बड़ी मेहनत करके कपड़े धोके डाले हैं। सो उसके पति ने बोला नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बोले तुम्हें कैसे पता? सो वो बोला कि भगवान आज मेरी नींद जल्दी खुल गई तो मैंने आज सुबह उठ के इस खिड़की के ग्लास को पीछे से साफ कर दिया जो कि पहले से गंदा था, और वो तुमको वही गंदगी उन कपड़ों पर दिखाई दे रही थी। तो देखा दोस्तों कि हम दूसरों में बुराइयाँ और दूसरों में गंदगी ढूंढने में लगते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते कि हमारी खुद की खिड़की में कितनी गंदगी लगी हुई है। तो दोस्तों जब तक आप अपने अंदर के जुनून को नहीं पहचानोगे, जब तक आप अपने अंदर की कमियों को नहीं पहचानोगे कि आप में वो जुनून है कि भी नहीं, कि वो कमी अगर आप में वो कमी है तो उसको सुधारिए, ना कि दूसरों को देखिए। दोस्तों मुझे लगता है कि हमें दूसरों की बुराइयां या दूसरों के बारे में कहने से पहले हमें 10,000 बार सोचना चाहिए कि क्या हम उतने काबिल हैं, क्या हम वो चीज़ भी कर पा रहे हैं जो दूसरे दिखा पा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि जब तक पहले आप उनके बराबर खड़े नहीं हो जाते हैं, हमें नहीं लगता है कि हमें उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए, पहले आप उनके बराबर खड़े होकर स्टैंड लीजिए दोस्तों। अगर क्योंकि जिस दिन आप उनके बराबर खड़े होकर स्टैंड ले लेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं कि आप कभी भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके पास उतना समय ही नहीं होगा। सो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और एसर टेलीकॉम और देवतन अग्रवाल यूं ही आपको हर दिन मोटिवेट करते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो थोड़ा ये लेट हो गया, सो इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा, और आने वाले समय पर सही समय पर आपको वीडियो दे सकूँ इसलिए आपसे अनुमति चाहूँगा। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर पर मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है, और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है, या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवतन अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू।